सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग। ये देख रहे हो क्या भाई, बारिश ने ना सुबह से ऐसी तैसी कर रखी है, और जब मैं सुबह सो के उठा था 6 बजे करीब, 6:30 बजे, तब भी बारिश हो रही थी और तब से बारिश हो ही रही है। अभी टाइम हुआ है 12:30 के करीब, मैं निकल लिया था बारिश में, होटल वहाँ चेकआउट कर दिया था मैंने, और अब जा रहा हूँ दनांग की तरफ। तो ये मैंने ये रेनकोट ले लिया था, ये मिल जाता है यहाँ पे, सभी लोग पहनते हैं यहाँ पे, ये मिल जाता है आपका तकरीबन 10,000 गेंडी में था भाई, 35 रुपये करीब मिल गया था मुझे ये। और जा ही रहा था हवयान से दनांग के रास्ते की तरफ, तो रास्ते में पड़ता है आपका मार्बल माउंटेन, ये मेरे पीछे देख रहे हो, ये पूरा है आपका मार्बल माउंटेन। तो सोचा यहाँ पे रुक लेते हैं, एक डेस्टिनेशन है ये भी, एक टूरिस्ट स्पॉट है ये भी, तो थोड़ा घूमते हैं यहाँ पे भी। अभी थोड़ा सा बारिश बंद हो रखी है, तो थोड़ा सा मज़ा कर लेते हैं, बारिश बंद होने का फ़ायदा उठा लेते हैं। अभी शायद बारिश जो है ना 1 घंटे के लिए बंद हुई है, अब मुझे लगता नहीं कि ऐसे ही रहेगा मौसम, क्योंकि मौसम ख़राब है, हो सकता है कि 1 घंटे दोबारा से बारिश आ जाए। मैंने चेक किया था वेदर फोरकास्ट में, तो दिखा रहा था कि 12 से 1 तक खुला रहेगा, तो वो खुल गया थोड़ा सा, लेकिन अभी जो है 1 मिनट बाद दोबारा से बारिश दिखा रहा है। तो चलते हैं माउंटेन की तरफ, छोटा आपको हेलो कर रहा है, हेलो। चलो यार माउंटेन चलते हैं, यहाँ पे एलिवेटर है, एलिवेटर से ऊपर जाना है। बाइक पार्क कर दी है यहाँ पे, पार्किंग यहाँ पे बाइक की है नहीं, तो जो दुकानें वगैरह होती हैं वहीं पर पार्किंग करवा लेते हैं वो दुकान वाले। तो 10,000 लिए हैं बाइक पार्क करने के, अब चलते हैं ऊपर की तरफ। कितनी भीड़ आई हुई है देखने के लिए यार, बसें बसें आ जा रही है, बसें जब से मैं आया हूँ यहाँ पे तब से लगातार करने में बसें आ जा रही हैं यहाँ पे। ये देखो सारी बसें आ रही है टूरिस्ट वाली मार्बल माउंटेन में, ये ऊपर जाना है हम लोग को। यहाँ पे एलिवेटर भी है, एलिवेटर से भी ऊपर जा सकते हो आप, मैं देखता हूँ एलिवेटर से जाऊँगा। अब पता नहीं चार्जेबल है या फ्री है, पहले पता करता हूँ। और ये जो दुकानें हैं ना यहाँ पे आपकी जो है बाइक पार्किंग हो जाएगी, मैंने खड़ी कर दी अपनी बाइक। चलो चलते हैं ऊपर यार, ये यहाँ से इसकी एंट्री है, ये तो शायद दनांग की बस है। टिकट लेनी पड़ेगी वो रहा सामने टिकट काउंटर। How much? 20,000 inside the cage. Huh? This is a big cage. Big cage? Yes. Cave. Oh, cave? Yes. I can go inside cave. 20,000. Okay, okay. How many? टिकट जो भी इन्होंने दी है ये केव की, बोल रहे हैं कि एलिवेटर की टिकट आपको अलग से लेनी पड़ेगी, और वो बता रहे यहाँ पे मिलेगी कहीं पे, देखते हैं अगर कितनी के सस्ते होगी तो एलिवेटर जाएंगे वरना पैदल निकल जाएंगे अपने। ये है रास्ता केव का, क्या है ये, तो बहुत ही महल बना रखा है। पानी टपक रहा है कहीं कहीं से, और ये
वाह ये सामने जाने का है ऊपर और एक इधर है ये ऊपर जाने का रास्ता भी है शायद ये ऊपर ये यहीं तक होगा आदमी चलो पहले यहाँ चलते हैं वाह इधर क्या है ये देखो भाई सजा मिल रही है इंसानों को नरक में अब चलते हैं नीचे की तरफ भाई तो खोपचे से बना के झुक झुक के जाना पड़ रहा है बड़ी पतली जगह है यार ओह बस ये वाला रास्ता यहीं पे ख़त्म हो जाता है इसके आगे कुछ नहीं है चलते हैं वापस वहाँ से ऊपर आ गए ऐसी एक कर याद है कुआलालंपुर में भी है मलेशिया में मैं गया हुआ था वैसे ही है कुछ ज़्यादा खास नहीं है मूर्तियाँ वगैरह बना रखी हैं ये ऊपर देखो सेम उस तरीके का बना रखा है पूरा ये है यहाँ से अब अभी आए थे ये ऊपर जाने का रास्ता है चलो वापस चलते हैं बाहर निकलते हैं और देखता हूँ एलिवेटर का क्या सीन है अगर एलिवेटर ऊपर लेके जाएगा तो टॉप पे जाऊँगा फिर शायद वहाँ पे भी कुछ हो देखने लायक अभी ये इतनी दूर आया हूँ अंदर घुसा हूँ थोड़ा देख ही लेता हूँ क्या क्या है यहाँ पे तो मूर्तियाँ वगैरह हैं और दिए जल रहे हैं बस यही है चलो बाहर आ गए घूम लिया यार ये बेसिकली क्या है ना जो एलिवेटर है वो 2-3 मंजिल की ऊंचाई तक बना हुआ है जिसको जो है पैदल नहीं चढ़ना है वो एलिवेटर का यूज़ करके चला जाए ऊपर उसके लिए अलग से टिकट है 55,000 VND की तकरीबन भाई कितना हुआ 180 रुपीज़ के अराउंड और हम तो पैदल ही हुए हैं मुझे लगा शायद कि ये ऊपर और कुछ दिखाते होंगे लेकिन वो कुछ नहीं है जो पीछे कैब बनी हुई है ये देखो
ये जो केव है ना ये ऊपर तक हम पैदल ही हुए हैं वहाँ तक, अंदर बस मूर्ति ही मूर्तियाँ हैं। कुछ देखो पड़ता है रास्ते में, अगर आप होयान जा रहे हो या फिर दनांग जा रहे हो होयान से तो पड़ेगा रास्ते में ही है, तो आप आ सकते हो एक बार को देखने के लिए। क्योंकि अगर आप स्पेशलिस्ट के लिए आते हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, इतना कुछ खास नहीं है। लेकिन आप दनांग में आ रहे हो फिर आप होयान जाओगे तो जाहिर सी बात है इसी रोड से ही जाओगे आप, और इसी रास्ते पे पड़ेगा, दनांग और होयान के बीच में पड़ेगा ये। चलो यार बारिश तो हुई नहीं है फिलहाल, निकलते हैं, ऐसा में दोबारा बारिश शुरू हो जाए तो दनांग पहुँचना है हमें, वहाँ जाके देखते हैं कुछ दिखाने लायक है या नहीं है।